नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं मालपा डोंगरी नंबर 3 के दत्त मंदिर के पास में। हम यहाँ पर, हमारे साथ कुछ लोग भी खड़े हैं, आइए हम बात करते हैं इनसे। ये जो युवा हैं, ये क्या चाहते हैं, इस बार कैसा हो इनका नेता, आइए हम इन युवाओं से बात करते हैं आज के। बताइए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव है, कैसा नेता होना चाहिए आपका, किस तरह के नेता की आप अपेक्षा? हम तो यही मानते हैं, अंदर की पूरी जनता यही मानते हैं कि मुर्जी पटेल होना चाहिए, वही आएंगे, हमारे भावी आमदार वही है। और जब वो नगर सेवक थे, नगर सेवक के काम कर रहे, नगर सेवक होते हुए एक एमएलए की क्षमता के बराबर के काम कर रहे थे। और एक फोन पे रात रो दिन हो, जैसे आप ऊपर के क्षेत्र में देखोगे, हमारे जो मालपा डोंगरी के ऊपर डोंगर का जो एरिया है, वहाँ पे पानी की समस्या 25 साल से बहुत ही ज़्यादा थी। 25 साल के बाद पानी का समस्या छुटकारा मिला है, वो काका के वजह से मिला है, वो हमारे साथ रहे। और हम चाहते हैं, और अंदर की विधानसभा काका के साथ पूरे जोश के साथ खड़ी है, और हम चाहते हैं कि काका ही आए यहाँ पे, मुर्जी पटेल उनकी सीट आए। काका पूरे दिल से निभाते, और जो दिल से वादे करते हैं सबके साथ निभा के दिखाते, पहली बात मतलब। और वो किसी को झूठे वादे करते नहीं, और जो करते हो निभाते, और उन्होंने पूरे अंदरी विधानसभा में सबका दिल जीत लिया है, यही बोल सकता हूँ मैं। माझं म्हणणं हेच आहे, मी काकांना सपोर्ट करीन। इकडचे स्थानिक नगरसेवक आहे, त्यांनी भरपूर अशी कामं केली आहेत इथे विभागामध्ये, जी गेले 5 वर्ष कोणी केली नव्हती। ज्यांनी सांगितलं असंप्रमाणे काकांनी जेवढी कामं केली आहेत ती करून दाखवली आहेत। मी यावेळी त्यांनाही पाठिंबा देईन, मी विधानसभेसाठी त्यांना इच्छुक म्हणून उमेदवार। हे युवा मी देखा तो उर्जी पटेल का बहुत काम आहे, असं मी सुनाही आहे और देखा ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो चुनाव में खड़ा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, पक्ष नहीं देगा तो अपक्ष ही रहेगा ना। वो काम किया इधर, सब लोग के साथ मिलजुल के रहता है, सब मंडल के साथ रहता है वो। कभी भी कुछ भी अरसा होगा तो वो तुरंत खड़ा रहता है, वो आके खुद कोई जीत के देना है। हाँ, बसी सोडले आम्हाला, आम्ही प्रवेश केला एवढा राधापूरपर्यंत, हाँ घरापर्यंत आम्ही सुखरूप पोचलो, एवढं आनंद आहे। अरे मुर्जी पटेल जी का तो काका का नाम तो एकदम अपलातून नाम आहे, कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता है कि काका अच्छे नहीं करके। काका आधी रात को किसी का भी काम के लिए खड़े हो जाते, बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करेंगे मुर्जी काका। क्यों ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि ये आमदार जो है ना, ये आमदार ने आज तक कुछ किया ही नहीं है। वो जो टेज बांधा ना, वो भी टेज जूना ईट का बांधा है, सब सीमेंट भी जूना, सब जूना पतरा भी, उधर से ऊपर से पानी गिर रहा है ऐसा बारिश के अंदर, और उसका जो लोखंड था, वो शटर था, सब बेच के खाया आमदार ने, लटके ने। अपक्ष लड़ेगा और मुर्जी का आने वाला है। ये थे यहाँ के लोग जिनका मानना है कि मुर्जी पटेल जैसा यदि अगर व्यक्ति चुन कर आता है तो इनके लिए काफ़ी कुछ करेगा। और इस बार जो पब्लिक ने उन्हें इस बार चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है, और जिस तरह से वो लोगों में, पूरे विधानसभा में चर्चित है, ऐसे में यहाँ की जनता कहीं ना कहीं उन्हें भावी आमदार के रूप में देख रही है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ मैं संजय दुबे, सुर्खियाँ न्यूज़, मुंबई।